महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से ये गुप्त चीज ले आना अपने घर, इतना धन आएगा गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में मान्यता है इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। दोस्तों, कहा तो यह जाता है कि भगवान भोलेनाथ इसी दिन सृष्टि पर प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे, इसी दिन से सृष्टि का भी निर्माण हुआ था। इस बार की महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 को रात्रि 8:02 पर शुरू होगी। इसका समापन 19 फरवरी 2023 को शाम 4:18 पर होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का आखिर अर्थ होता क्या है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप। महा का अर्थ होता है महान, शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि, अर्थात शिव जी की महान रात। महाशिवरात्रि इसलिए भी बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया कर ली, उस व्यक्ति के जीवन की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दें जाकर ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको शिव मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है और वहाँ से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, उस व्यक्ति का साक्षात्काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप महाशिवरात्रि के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वो भी खास उपाय करते हुए, कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहाँ से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, महाशिवरात्रि का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई व्यक्ति भी अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ जी की साक्षात पूजा कर लेता है, उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वासु दोष, शनि दोष, बृहस्पति दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको शिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष तक खत्म हो जाएगा, आपके जीवन से सारी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी और आपके जीवन की सारी परेशानी भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात क्या कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से, हल्की सी साधना से अवश्य ही और तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे, और आपने सही तरीके से पूजा कर ली तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक एक चीज़ बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है, पहले जाकर के वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है ना। देखिए, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज़्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका तेज आपको मिलता है और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाती है।
तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानियों को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और महाशिवरात्रि का जो पर्व पड़ रहा है वो 18 और 19 फरवरी को पड़ रहा है, तो ये दो दिन ऐसे हैं, इस दिन अगर आप मंदिर जा करके भगवान भोलेनाथ जी की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता, पूरे साल आपके घर पर धन और अन्न का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। और ये महाशिवरात्रि के पर्व पर बहुत सारे योग बन रहे हैं, सर्वर्थ साव योग, अमृत योग, पंचांगा योग, ऐसे 18 योग बन रहे हैं जिसका फायदा अगर आपने उठा लिया तो मान के चलिए आपके जीवन की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो भगवान भोलेनाथ जी के लिए आपको मंदिर ले जाना है 18 और 19 तारीख को, वह है जल। कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी जल जो है वो तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहाँ का जल आप तभी चढ़ाइए जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो आप जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे, उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सारी दिक्कतें बता देंगे। और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे अपनी समस्याओं को बताते हुए, वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाइएगा। अब सबसे ज़रूरी चीज़, जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी महाशिवरात्रि के दिन। तो आपको जल ले जाना है उसमें गंगा जल डाल करके। दूसरा, आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है दोस्तों। बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाइएगा। तीसरा, आपको सफ़ेद पुष्प ले जाना है। सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ जी के लिए आपको ले जाना है महाशिवरात्रि के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद आपको मिल जाए जिसके बाद आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफ़ेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है महाशिवरात्रि के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम ताज़ा कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, बासी दूध नहीं होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर के ले जाइए। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा जितनी आपको बातें बता रही है, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के ले जाइए। एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख करके ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज़ें आपको ले जानी है शिवालय 18 और 19 तारीख को। अब आपको पूजा कैसे करनी है चलिए आपको हम बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा, और जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इन चीज़ों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। इसलिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया है पहले तो जाकर के वीडियो लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है मंदिर जाने से पहले कि काले या नीले कपड़े का आप धारण करके मंदिर ना जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफ़ेद पुष्प चढ़ा देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहाँ पर खड़े होकर 1008 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए, या 1008 बार कर लीजिए, या 1108 बार कर लीजिए। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधर है, जो शिवलिंग से वहाँ पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरी के पानी से आपको छुआना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं बांध करके लौंग की, इसको भी छुआना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में आप पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपके जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहाँ पर गिर रहा है, ध्यान रखिएगा शिवलिंग से जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी की थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। ध्यान रखिएगा, जो अपने लोटे में आप पानी भर के ले गए हैं वह पानी वापस बचाना नहीं है, वो तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस से ले लेना है। मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि कई लोग वहाँ पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वो अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वो धारण कर सकें, इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना है, सिर्फ थोड़ी बूंदें ले लेनी है।
अब आपको क्या करना है, ये तीन चीज़ें आपने ले ली हैं, आपको घर वापस आना है। जो आपने लोटे में पानी लिया है दोस्तों, इसको घर पे आते साथ ही घर के मेंबर्स जो हैं आपके उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है, घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना है, सिर्फ इतना आपको करना है। इतना आपने कर दिया, अब मान के चलिए पूरे साल आपके घर पे नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा, वो आपके घर पर कुछ असर नहीं कर पाएंगी। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। अब ये जो डिब्बा आप काली मिर्च का भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से छुआ कर लाए हैं, इसको आपको पूजा घर में रख देना है। अब आपको क्या करना होगा, ये जो काली मिर्च का डिब्बा है आपके पास, इस कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकलें, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, एक काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकलिएगा। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी, वो बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ये जो लाल पोटली आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से छुआ करके लाएं, इसको आपको ले जा करके अपनी किसी भी अलमारी तिजोरी में रख देना है। आपके जीवन में जो भी पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे वो वापस से चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। मान के चलिए दोस्तों भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा महाशिवरात्रि के दिन, और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। ये जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं ये वास्तु शास्त्र से बताए गए हैं, इन बातों को नज़रअंदाज मत कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन इतना उपाय कर लीजिए और आपके जीवन की हर परेशानी कष्ट दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में धन सुख वैभव की आपको प्राप्ति होगी। तो दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।